किसान भाइयों, इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेटर भाई से जो ट्रैक्टर के ऊपर बोरवेल का यूज़ कर रहे हैं और इसकी क्या खासियत है और किस तरीके से यह छोटे रास्तों पर जाकर परफॉर्म करती है उसकी जानकारी देंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम भुजवंत सिंह ठाकुर है। जी भैया, कैसा क्या है इसका, क्या रिजल्ट है? ये छोटे रास्तों पर चल के जाती है जहाँ बड़ी गाड़ी 12 टायर नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर ये लगाते हैं। जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती, बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच पाती। अधिकतर कहाँ आप इसको सिटी में यूज़ करते हैं? सिटी में यूज होती है, रास्तों में, मकानों के अंदर। मकान, अच्छा। और जैसे कि इसमें क्या क्या खासियत है, जो चार जेक वेक है, आप हमें बताएंगे? ये है, ये ऑयल टैंक है, इसमें 600 लीटर ऑयल आता है जिसे सारी मशीन में सप्लाई हो, पूरी मशीन में सप्लाई करने के लिए। आगे का पूरा ऑयल टैंक है, ये ऑयल टैंक है। हाँ, और ये छोटा वाला रॉड लगता है 10 फीट का। ये कितने फीट का रॉड है? 10 फीट का रॉड है। कितने फीट गहरी चली जाती है? 500 फीट तक करता है। 500 फीट तक की, अंदर तक की कटाई कर सकता है। 500 फीट तक करता है। उसके बाद में? उसके बाद ये कंट्रोल बॉक्स है, यहाँ से गाड़ी चलाने का काम होता है। कंट्रोल बॉक्स है इसमें, जैसे कि इसमें लोगों की जरूरत भी कम पड़ती होगी, जैसे जी। बड़ी मशीन में ज्यादा 5 से 6 लड़कों की जरूरत पड़ती है। 6 लड़के काम कर देते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये जैसा कि आपने ट्रैक्टर में सोनाली का वर्ल्ड ट्रैक 90 चूज किया और कोई ऐसा ट्रैक्टर नहीं लिया, इसका क्या कारण है? ये ट्रैक्टर अच्छा रहता है, इसका माइलेज वगैरह अच्छा रहता है। माइलेज अच्छा रहता है जी, अच्छी ताकत लेके चलता है। ताकत लेके फोर व्हीलर ट्रैक्टर है, चारों टायर काम करते हैं इसके, चारों काम करते हैं। और ये कीचड़ कीचड़ में बैठने के लिए ज्यादा बैठता नहीं, आराम से जाता है। भी बड़े इसके टायर, बड़े छोटे टायर होने की वजह से बैठ नहीं पाता होगा ज्यादा, कीचड़ में अच्छा चलता होगा। उसके बाद में माइलेज क्या निकालता है इस मशीन के ऊपर? ये 1 घंटे में 4 का माइलेज निकालता है इस मशीन के ऊपर जी। 1 घंटे में नॉर्मली पीटीओ के ऊपर 4 लीटर ही चलाता है, 4 लीटर। और ऐसे अगर नॉर्मल रनिंग करवाते हैं तो 3 का आएगा, 3 का एवरेज जाता है। तो ये तो 4 सिलेंडर इंजन है फिर 90 HP कैटेगरी में। हमें लग रहा था इस मशीन के हिसाब से कम 7-8 लीटर लेता होगा। नहीं नहीं, इतना ही लेता है। इसमें क्या RPM ज्यादा रहते हैं, 90 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 1000 के लिए अच्छा रहता है। और ये जैसे कि आप बता रहे हो कि 3 से 4 लीटर डीजल चलाता है, पर कितने रेस के ऊपर आप चलाते हैं इसको? इसको 15 से 16 की रेस पे चलाना पड़ता है, 1500 से 1600 RPM का। इससे ज्यादा रेस पे नहीं चलाते हैं, ज्यादा नहीं चला। अच्छा, और जैसे कि इसके चारों जो जेक हैं, ये जेक वगैरह लगाने के लिए हर एक जेक के यहाँ पे पॉइंट दिया है या फिर डायरेक्टली ऐसे लग जाते हैं? नहीं नहीं, पॉइंट दिया है पीछे से, पूरे लीवर अभी आपको बताए थे सारे लग जाते हैं। हाँ, वहीं से सब कुछ होता है। तो इस पूरी मशीन को मिला के इसमें कितना वजन हो जाता है जिसको? ये 90 क्विंटल वजन लगभग, 80 से 90 क्विंटल वजन, 80 से 90 क्विंटल वजन, 80-90 क्विंटल वजन लेके जब ये चलता है तो कैसा लगता है आपको? मतलब क्या है, ज्यादा स्पीड नहीं लगा सकते क्योंकि वजन बहुत ऊपर लोड कर ज्यादा है। दूसरी बात, जो मशीन आपने ये फिट करवाई इसमें लगभग कितना खर्चा आ गया होगा? लगभग मशीन फिट आया होगा 38 लाख के करीब आ गया। ये कंट्रोल बॉक्स है, इससे पूरा सिस्टम चलता है, इससे पूरा सिस्टम चलता है, मास्ट वगैरह खड़ा होता है, ड्रिलिंग और ये सब होता है। सभी पॉइंट्स कैसे, पूरे के पूरे बोरवेल के जैसे पॉइंट्स हैं सारे ही जी? क्या अलग बोरवेल की तरह पॉइंट्स हैं ये पूरे? क्या कैसे ऑपरेट करते हैं हर एक पॉइंट इसको? ये मेन हो गया। हाँ, ये रोटेशन है, रोटेशन है ऊपर नीचे ले जाने के लिए, ऊपर नीचे के लिए। ये आउटर पाना का है, आउटर और पाने का जी, ये खोलने के लिए जी जी। हाँ, और ये जेकों का है, ये 3 लीवर 3 जेकों के हो गए। ये मास्क खड़ा करने के लिए, ऊपर का मास्क उठाने के लिए, और ये वाटर पंप पानी के लिए जब लाइन के अंदर पानी डालना रहता है, पानी खींचने के लिए। अच्छा, और ये चेंजर रॉड चढ़ाने के लिए, अच्छा ऊपर नीचे रॉड चढ़ाती है ये उसके लिए है। और ये एक और पॉइंट है जो ये अपना ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक जी, ऑटोमेटिक लगाने के लिए माइक्रो दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, रॉड ऑटोमेटिकली चलती है, डिलर को खड़ा नहीं होना पड़ता। और ये पॉइंट जो है ये काई के लिए? ये वाले, हाँ ये इसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो पॉइंट है ये, वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए, कितना वाइब्रेशन अपने को अंदर डालना है जी। और ये सेकंड पॉइंट जो है ये एक्सीलेटर वायर है। अच्छा, जितनी एक्सीलेटर आगे पे कंबल करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर का राइस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जी जी। और ये सेकंड पॉइंट है जो ये वाला, हाँ ये रोटेशन कम करने के लिए होता है, हाँ उसको अपन को जितना तेज घुमाना है उस हिसाब से इसको अपन कंट्रोल कर, इससे अपन राड का जितना राउंड लेना चाहे उतना ले सकते हैं, उतना ले सकते हैं। उसके बाद में पीछे से, मतलब जैसे कि इसके साथ और भी एक और गाड़ी चलती है कोई सी,
इसके साथ तो मतलब यही चलता है इसके साथ सामान वगैरह ले जाने के लिए, जैसे कि इसके साथ सामान ले जाने के लिए वो वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा कंप्रेसर पेटी रखी हुई है एलजी 1200। अच्छा एक ये 605। अच्छा फिर चौड़ा कर सकता है, मतलब ये 9.5 इंच तक चौड़ा करना है, 9.5 इंच चौड़ा कर सकता है, लास्ट 9.5 इंच। जैसे कि ये आप बोल रहे हो कि वो छोटे रास्ते हैं जहाँ पे जैसे सिटी में बड़ी गाड़ी नहीं घुस पाती वहाँ आप लेके जाते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इसकी हाइट ऊंचाई तक अगर अपन इसको उठाते हैं आप, तो कितनी ऊंचाई तक ये जाती है? 24 फीट आती है, 24 फीट ऊपर तक जाती है, मतलब कि कहीं पर भी छोटे रास्ते में आराम से आप खड़ा कर सकते हैं। अच्छा टोटल ट्रैक्टर और मशीन सब है, कितना खर्च है टोटल इस मशीन का पूरा? इसका है टोटल 38 लाख रुपए आया, 38 लाख खर्च आता है, और पूरा ट्रैक्टर सहित आ गया इसमें 38 लाख, पूरा ट्रैक्टर सहित है, और इसके साथ वो जो पिकअप के ऊपर रखा जो आर्मेचर रेडिएटर जो भी हो सब कंप्लीट, उसका अलग से खर्चा आया 52 लाख का, 46 लाख का पेटी आया है। अच्छा और 6 लाख का वो गाड़ी आया है, 407 607-6 लाख का गाड़ी आया। अभी आसपास के एरियो में चलाते हैं तो इसका क्या रिस्पॉन्स रहा, मतलब अच्छा चलता है? अच्छा चलता है और ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं देखने के लिए और काम करवाना भी चाहते हैं। छोटी जगहों पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब हाँ छोटी जगहों पे अच्छा रिस्पॉन्स। अभी आप किस रेट में चला रहे हो इसको ड्रिलिंग के लिए? इसको चला रहे हैं 200 रुपए फिट। 200 रुपए फिट से आपका थोड़ा सा पता दे दीजिए कहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ताकि आप कोई संपर्क, कोई भी जैसे कि छोटे एरिया में लगवाना चाहता है बोर्ड, एड्रेस दीजिए आप। मोबाइल नंबर एड्रेस ये डाला हुआ है पूरा इसी नंबर पे, पूरा एड्रेस डाला हुआ है, इस पे संपर्क कर सकते हैं जहाँ पर भी जिसको भी किसी एरिया में लगवाना है। जैसे कि अगर यहाँ से कभी कहीं कहीं 100 किलोमीटर के भीतर के रेंज में कोई सा दूर का सिटी होगा, 10 पॉइंट मिल जाएंगे तो आप लोग चले जाएंगे। अगर यहाँ से 100 किलोमीटर के रेंज में अगर 10 पॉइंट का आपको ऑप्शन मिलता है तो आप लेके गाड़ी लेके जाएंगे, पर इससे कम पॉइंट होंगे तो आप नहीं जाएंगे। कम पॉइंट ले जाएंगे तो उसमें तो अपना डीजल चल जाएगा। हाँ वो भी है, डीजल तो चलता है। अभी बाकी आपको अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसका? हाँ, कोई टूट फूट बड़ी गाड़ी के मुकाबले टूट फूट होती है? नहीं टूट फूट नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी इसमें, बड़ी गाड़ी के मुकाबले अच्छा है। और रख रखाव कैसा है इसका, मतलब इसमें कितना क्या खर्चा आ जाता है रख रखाव में? ज्यादा कोई जैसे जगह वगैरह की जरूरत पड़ती है बड़ी गाड़ी, जैसे कि बड़ी गाड़ी के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स रहा रख रखाव के लिए? इसमें अपन 10 फीट की जगह में से गाड़ी डाल सकते हैं, और आगे अपन को 20 फीट जगह ऐसे में चाहिए लंबाई में खड़ा होने के लिए बस। और जैसे कि कहीं गलियों में जहाँ पे बोर लगते हैं वहाँ पे मिनिमम इसकी चौड़ाई के हिसाब से कितनी 10 फीट जगह चाहिए मिनिमम? 10 फीट चौड़ाई चाहिए और 20 फीट लंबाई के लिए, 20 फीट लंबाई जगह में खड़ी होकर कर सकते हैं, इतनी जगह में खड़े होकर आराम से चल सकती है। और ऊपर कितनी हाइट चाहिए लगाने के लिए? 25 फीट हाइट। और ये जैसे कि पाइप के थ्रू तो लग नहीं सकती होगी, जैसे कि कहीं बेल बेलड़े वगैरह जो बेल के तरफ पाइप वाली जो बोरवेल होती है उस वाला काम नहीं करती होगी, घर के अंदर जाके नहीं लगती होगी? घर के अंदर नहीं लगती होगी, बस घर के आसपास किनारों पे, बाहर आसपास लग सकती है बरामदे में या कोई भी ऐसी जगह पे। हाँ गार्डन वगैरह या कहीं पे वगैरह में लग सकती है, बहुत ही आसानी से जाके लग जाए। 100 फुट दूर होकर भी खड़े होकर पाइप के थ्रू चली जाएगी, पॉइंट के लिए फिर वो ऑप्शन अलग होगा, मतलब 100 फीट दूर खड़ी कर भी अपन लोग पॉइंट मार सकते हैं, मतलब जहाँ पे जैसे कि घर के अंदर नहीं मार सकते बाकी 100 फीट दूर में भी चली जाएगी, 100 फीट दूर से भी आराम से कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाई वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइए, साथ ही चैनल पर भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।